सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 5, पाठ का नाम है गलता लोहा, इस पाठ को सारांश के रूप में समझेंगे। गलता लोहा नामक पाठ कहानी विधा में है। इस पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। अब हम नई कहानीकार शेखर जोशी से संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। लेखक शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में सन 1932 में हुआ था। इनकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। इनकी कहानियों का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश व रूसी में भी अनुवाद किया गया है। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। इनकी रचना है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजीव, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद, यह शब्द चित्र संग्रह है, यह इनकी रचनाएं हैं। गलता लोहा नामक पाठ, जो पाठ है उसका नाम क्या है? गलता लोहा नामक इस कहानी में लेखक ने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ को समझने के पहले हम कहानी के पात्रों से परिचय कराते हैं, जिसमें पाठ को समझने में सरलता होगी। पहला पात्र है मोहन, फिर वंशीधर, धनराम, रमेश, त्रिलोक सिंह, गंगाराम। तो सबसे पहले मोहन से परिचय करते हैं। कहानी में मोहन को कुशाग्र बुद्धि वाला अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि वाला बताया गया है। यह ब्राह्मण जाति का है और मोहन वंशीधर पुरोहित का पुत्र है। गायन में भी निपुण है। कहानी में मोहन मास्टर साहब का प्रिय छात्र रहा है। यह विद्यालय में मॉनिटर भी रहा करता था। अगला पात्र है वंशीधर। वंशीधर का परिचय समझते हैं। कहानी में वंशीधर पुरोहिताई मतलब पंडिताई का कार्य करते हैं। इनका पुरोहिताई का धंधा है, किंतु वृद्धावस्था के कारण इस पुरोहिताई का कार्य करने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। वंशीधर मोहन के पिता हैं। अब अगला पात्र है धनराम। कहानी में धनराम मोहन का सहपाठी रहा है। मोहन और धनराम एक साथ पढ़ते थे, वह बचपन के मित्र थे। धनराम लोहार जाति का है। यह पढ़ने में कमजोर है। कहानी में धनराम के पिता का निधन हो जाता है और उसके बाद धनराम ने ही लोहे के औजार बनाने वाली दुकान को
संभाल लिया था। कहानी में उसी भट्टी पर मोहन हंसुबे में, हंसुबे मतलब हंसिया, हंसुबे में धार लगवाने जा पहुंचता है। अगला पात्र है रमेश। कहानी में यह पात्र लखनऊ निवासी है। कहाँ रहता है? लखनऊ में। वृद्ध वंशीधर का जाति भाई है, रिश्तेदार है। यह छुट्टियों में गांव आता है तो वृद्ध वंशीधर अपने पुत्र मोहन की पढ़ाई की चिंता रमेश के सामने प्रकट करते हैं। रमेश मोहन को अपने साथ पढ़ने के लिए लखनऊ ले जाता है। अब अगला पात्र है त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह कहानी में मास्टर साहब हैं। कौन है? यह है मास्टर साहब हैं। यह है बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। कहानी में मास्टर साहब का देहांत हो चुका है। मास्टर साहब मोहन को कुशाग्र बुद्धि वाला बालक बताते हैं और धनराम को पढ़ने में कमजोर। धनराम के ना पढ़ने पर मास्टर साहब उसे दंडित भी करते थे, उसे दंड देते थे। कहानी में मोहन और धनराम धनराम की ही दुकान पर बैठे बैठे इन्हीं मास्टर साहब की बातें करते करते पुरानी यादों में खो जाते हैं। अब अगला पात्र है, अंतिम पात्र, गंगाराम। अब ये गंगाराम कौन है? गंगाराम धनराम के पिता हैं। धनराम से यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो गंगाराम अपने पुत्र धनराम को दंडित करते थे। गंगाराम ने अपने पुत्र को लोहे की दुकान के सभी काम, मतलब लोहार के सभी कार्य धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दिए थे। कौन कौन से कार्य? जैसे धोकनी फूकना, घन चलाना आदि। तो इस तरह कहानी के पात्रों से हमने परिचय कराया। तो आइए अब हम पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। इस पाठ को हम सारांश के रूप में समझते हैं। कहानी में मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिताई का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? पुरोहिताई का कार्य करते हैं। पुरोहिताई अर्थात धार्मिक कार्य कराने वाला व्यवसाय, मतलब पंडिताई। वृद्ध वंशीधर जाति से ब्राह्मण हैं। पुरोहिताई के बलबूते पर ही उन्होंने अभी तक अपना घर संसार चलाया। उनके लिए पुरोहिताई ही उनकी आजीविका का साधन था, किंतु वृद्धावस्था के कारण अब इस कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। वह चाहते हैं कि मोहन गणनाथ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रीपाठ, रुद्राभिषेक कराने जाए और वंशीधर स्वयं को वहां जाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। मोहन के पिता ने मोहन के सामने अपनी वृद्धावस्था की मुश्किलें इसलिए बताईं कि मोहन उनकी जगह यजमान, यजमान कौन होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक कार्य कराने वाला, तो उनकी जगह यजमान के घर जाए और रुद्री पाठ कराए जिससे वह आजीविका चलाने के योग्य हो सकेगा। मोहन के पिता का आशय, अपने पिता का आशय समझ गया। मोहन ने क्या किया? मोहन अपने पिता का आशय समझ गया
तथा उनका भार कम करने के उद्देश्य से खेतों में काम करना पसंद करता है, क्योंकि मोहन को पंडिताई के कार्य करने का अभ्यास नहीं था। इसलिए वह अपने हसुए, अब हसुए क्या होता है, घास काटने का औजार, मतलब हसिया, तो हसुए की धार को तेज कराने के लिए बचपन के मित्र व सहपाठी धनराम की दुकान पर जाकर एक कनस्तर लोहे का चौकोर पीपा, तो उस कनस्तर पर जाकर बैठ जाता है। मोहन इसलिए हसुए को लेकर घर से खेत की ओर निकला था कि वह आजीविका चलाने में सहयोगी बन सके, पिता का भार कम हो। हसुए में धार नहीं थी, इसलिए धार लगवाने धनराम की भट्टी पर पहुंच जाता है। खेत में कार्यों के लिए, मतलब तो खेतों के जो कार्य हैं उनके लिए तेज धार वाले हसुए की आवश्यकता होती है। तो आगे मोहन जब धनराम के पास हसुए में धार लगवाने पहुंचा, तो दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। बातों ही बातों में जानकारी प्राप्त हुई कि उनके मास्टर साहब त्रिलोक सिंह का एक वर्ष पहले ही निधन हो गया है। फिर मास्टर साहब के द्वारा कही गई बातें तथा बीते हुए विद्यार्थी जीवन को याद करने लगते हैं। दोनों क्या करते हैं, पुरानी दुनिया में खो जाते हैं, मतलब बीती हुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। मोहन पढ़ाई में निपुण था तथा गायन में भी निपुण था। सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना का पहला स्वर मोहन ही उठाता था, मोहन ही प्रार्थना प्रारंभ करता था। इसलिए वह मास्टर साहब का प्रिय शिष्य था, चहेता था। मोहन को पूरे विद्यालय का मॉनिटर बना रखा था और कमजोर बच्चों को दंडित भी करता था। धनराम पढ़ने में कमजोर था, मोहन के द्वारा धनराम विद्यालय में कई बार दंडित हो चुका था। विद्यालय में मोहन के द्वारा कई बार धनराम की पिटाई भी की गई, किंतु धनराम ने मोहन से कभी ईर्ष्या नहीं की, जिसका कारण धनराम की जातिगत हीनता थी। धनराम अपने आप को छोटी जाति का समझता था। बचपन से ही धनराम मोहन के प्रति स्नेह और आदर के भाव रखता था। और फिर मास्टर साहब का बार बार यह कहना कि मोहन बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। उधर धनराम 13 का पहाड़ा भी याद नहीं कर पाता है। तब मास्टर साहब त्रिलोक सिंह द्वारा व्यंग से यह कहा गया, जब धनराम 13 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाता, याद नहीं कर पाता, तब मास्टर साहब ने व्यंग से कहा, क्या कहा, कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। मतलब धनराम लोहार जाति का है, वह लोहार का कार्य ही कर सकता है, वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह की बात धनराम से कही गई। एक ओर मास्टर साहब की पिटाई और दूसरी ओर पिता का काम ना सीखने पर पिता की पिटाई। धनराम के पिता ने धनराम को लोहार के कार्यों को सिखाने में उलझा लिया था। अंत में धनराम कक्षा 3 तक ही पढ़ पाया था, इसके बाद वह लोहार के कार्यों में ही उलझ गया।
मोहन पढ़ने में अच्छा था, कुशाग्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था। कुशाग्र का मतलब क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था। इस कारण उसने कक्षा 5 तक की पढ़ाई को पूर्ण कर लिया था और उसे छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो गई थी। उसके पिता ने उसे गांव से 4 मील दूर पढ़ने भेज दिया था, किंतु इन्हीं किन्हीं कारणों से वहां उसकी पढ़ाई ना हो सकी। अचानक पुरोहित बंसीधर की बिरादरी, मतलब जाति भाई या कोई रिश्तेदार युवक था, उस युवक का नाम था रमेश, उन दिनों लखनऊ शहर से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों ही बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में चिंता प्रकट की। रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने तैयार हो गया। रमेश के कहने पर वंशीधर ने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ शहर पढ़ने भेज दिया। फिर क्या था, बस यहाँ से मोहन के जीवन का दुख भरा अध्याय प्रारंभ हो गया। मोहन को वहाँ जाकर घर के कार्यों में हाथ बटाना पड़ा। रमेश के घर की जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं के साथ साथ, मतलब जो रमेश के घर की महिलाएं थीं, वे भी उसे घर के अनेक कार्य कराती थीं, और घर की महिलाओं के साथ साथ मोहल्ले की महिलाएं भी उसे काम काज में हाथ बटाने का साधन मानने लगी थीं। घर की महिलाएं उसे कार्य कराती थीं और मोहल्ले की जो महिलाएं थीं वे भी उसे काम में हाथ बटाने में सहयोग लेती थी। उसे सबके कार्यों में हाथ बटाना पड़ता था। रमेश एक अच्छे दफ्तरी बाबू होने के कारण मोहन को अपना भाई बिरादरी का बताने में अपमान समझते थे। मोहन उनके लिए एक घरेलू नौकर ही था। मोहन रमेश की भावना को अच्छी तरह समझ गया। उसने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत आग्रह किया तो थोड़ी बहुत ना नुकर करने के बाद रमेश ने एक साधारण से विद्यालय में प्रवेश करा दिया, किंतु नए वातावरण और रात दिन काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के विद्यालय में अपनी पहचान ना बना सका। गर्मियों की छुट्टियों में भी मोहन गांव नहीं आ पाता था, क्योंकि मोहन रमेश के घर की सुविधा का साधन था। मोहन ने अपने इस दुख को घर वालों को भी नहीं बताया और परिस्थितियों से समझौता कर लिया। जबकि मोहन के पिता उसके अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे, वे वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया और छुट्टियों के बाद पुनः लखनऊ गया तो उसने अनुभव किया, क्या अनुभव किया, कि कोई भी उसे पढ़ाने के पक्ष में नहीं था, कोई उसे पढ़ाना नहीं चाहता था। मोहन के आग्रह पर उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। वहां उसने 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी की और कारखानों तथा फैक्ट्रियों में काम खोजने लगा। मोहन के पिता को अपने पुत्र के बड़े अधिकारी बनने की बड़ी आशा थी। मोहन के पिता को आशा थी कि मेरा पुत्र एक बड़ा अधिकारी बनेगा।
उनको यह आशा थी, मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, किंतु जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो बहुत दुखी हुए। एक बार धनराम ने मोहन के पिता से मोहन के विषय में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि उसकी नियुक्ति सचिवालय में हो गई है। धनराम को अपने मास्टर साहब की भविष्यवाणी पर बड़ा विश्वास था, अतः धनराम ने कहा, मोहन लला तो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, ऐसा तो होना ही था। इस तरह दोनों बचपन से आज तक की घटनाओं पर बात करते रहे। इसी बीच धनराम ने मोहन के हंसुए की धार को तेज कर दिया था। इसके बाद भी मोहन हंसुए को लेकर वहीं बैठा रहा। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले, मतलब टोले का मतलब होता है समूह, तो ब्राह्मण टोले समूह या वर्ग के लोगों का, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे उन लोगों का शिल्पकार वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, यह मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था उनके साथ उठना बैठना। परंतु आज ब्राह्मण जाति का लड़का लोहार के पास बैठा हुआ है, इस बात को दोनों समझ रहे थे। लखनऊ शहर में रहने के बाद भी मोहन गांव की मान्यताओं को भूला नहीं था, फिर भी धनराम की भट्टी के पास बैठा रहा। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में तपाकर गोलाई में मोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु गोल आकार देने में उसे सफलता नहीं मिली, वह छड़ को गोल आकार नहीं दे पा रहा था। मोहन कुछ देर तक देखता रहा, फिर संकोच त्याग कर धनराम की छड़ को गोल आकार दे दिया। मोहन ने उसका सहयोग किया और जो छड़ थी लोहे की मोटी छड़, मोहन ने उसे गोल आकार दे दिया। धनराम को मोहन की कारीगरी पर आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पुरोहित खानदान के एक युवक ने निम्न जाति के युवक ने भट्टी पर बैठकर कार्य किया। क्या आश्चर्य हुआ, मतलब उसने जो सहयोग किया, छड़ को गोल आकार दिया, उस पर आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पुरोहित खानदान के उच्च वर्ग के एक युवक ने निम्न जाति के युवक की भट्टी पर बैठकर कार्य किया। मोहन धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। यह सत्य है कि जब लोहा पिघलता है, अर्थात जातीय अभिमान नष्ट होता है, तो सच्चे भाईचारे की स्थापना होती है, एक नई रचना जन्म लेती है। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। धन्यवाद।